Hey, what's up guys, this is Abhishek। आज किस में बात करेंगे पोको C65 के बारे में, जो कि एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन रहने वाला है और कह सकते हैं अंडर 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आने वाला है। और फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पेज आ चुका है 15th ऑफ दिसंबर को, यानी कि दो दिन के बाद इंडिया में होने वाला है लॉन्च। कह सकते हैं एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन रहने वाला है, 4G स्मार्टफोन रहने वाला है, 5G नहीं रहने वाला है यहाँ पे ये। तो कितना ज़्यादा मार्केट हिट करेगा नहीं करेगा, कैसा फीचर स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, आज की स्टूडियो में यही सब बात करेंगे। वीडियो के अंदर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसे बताया फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको के C65 स्मार्टफोन के ऊपर, जो कि एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन रहने वाला है अंडर 10,000 रुपीज़ में। ना फ्रेंड्स, पोको का बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन फ्रेंड्स आता है जो कि 4G के साथ आता है, जैसे पोको का M5 हो गया, पोको का C55 हो गया था, जो कि फ्रेंड्स मैंने भी खरीदा था यहाँ पे, और वो भी स्मार्टफोन काफ़ी सही है, 4G स्मार्टफोन है यहाँ पे। बट ये बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन का एक ही इशू रहता है कि बहुत ज़्यादा एड ब्लोटवेयर बहुत ज़्यादा रहता है, और मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, अगर उस पर काम करे पोको तो बहुत सही है, वरना ठीक है बाकी तो सब चीज़ है। तो यहाँ पे पोको का C65 लॉन्च हो रहा है यहाँ पे इंडिया में 15th ऑफ दिसंबर को फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे, और क्या प्राइसिंग एग्जैक्ट रहने वाला है वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो 6.74 इंचेस का एक आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले के साथ आप लोगों को 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला एक 720p यानी कि HD प्लस के साथ आप लोग को ये IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो डिस्प्ले अच्छा खासा बड़ा है, 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है, बट ये है कि हाँ मतलब फुल HD नहीं है, एक HD स्क्रीन 720p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो डिस्प्ले कह सकते हैं ठीक है, डिसेंट है अपने प्राइस के हिसाब से, प्राइस क्या रहने वाला है आगे बताएंगे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को MediaTek का हीलियो G85 वाला प्रोसेसर, जो कि 4G प्रोसेसर है फ्रेंड्स यहाँ पे। परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा डिसेंट आप लोगों को परफॉर्मेंस दे देगा, ओवर पीरियड टाइम का थोड़ा स्लो हो जाएगा बट ठीक है, स्टार्टिंग में सही देखने को मिलेगा। क्लब किया गया 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, तो ये एक अच्छा है। 8+8 बताया नहीं, 8 स्टोरेज को भी उन्होंने कंसिडर किया एज अ वर्चुअल रैम, यानी कि टोटल इवेंचुअली 16GB बताया जाए, बट एक्चुअल है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। एंड्रॉइड 13 ऑफ द बॉक्स और MIUI का खुद का उनका यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा इसके अंदर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन ये कुछ इस तरीके से मिलता है। कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, 50MP का मेन सेंसर, 2MP का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा लगाया गया। तो कैमरा से उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा का आउटपुट देखने को मिलेगा, डिसेंट कैमरा अच्छा खासा मतलब ओवरऑल आप लोगों को परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे देगा, उस तरीके का कैमरा है, डे लाइट में अच्छे तरीके से काम करेगा, लो लाइट में ऑब्वियसली सफर करेगा यहाँ पे। अगर बैटरी की बात की तो 5000mAh का बैटरी बैकअप टाइप सी के साथ यहाँ पे 18W की फास्ट चार्जिंग अडैप्टर को सपोर्ट करेगा, और अडैप्टर इन द बॉक्स आप लोग को देखने को मिलेगा, ये भी अच्छी चीज़ है कि बड़ा बैटरी बैकअप है। बाकी 7.5 फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5 का जैक भी प्रेजेंट है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर रहने वाला है इसके अंदर यहाँ पे। फोन की बात की जाए देखो, फोन कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, एक बजट सेंटर की स्मार्टफोन है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब इससे एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को कुछ ये सब प्रोवाइड कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक ही रिसेंट फोन यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे पोको का C65 यहाँ पे। तो उतना ज़्यादा ये मत सोचिए कि ये ऐसा वैसा है, नॉर्मल एक तरीके से 4G स्मार्टफोन मिलेगा। एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइसिंग रहने वाला है फ्रेंड्स 8,000 रुपीज़ यहाँ पे, ये कि 8,000 रुपीज़ ठीक ठाक ही प्राइसिंग है, किसी को 4G लेना है तो ले सकते हैं, वरना मैं बोलूँगा इस फोन को आप लोग स्किप करिए यार, ये फोन को लेके मतलब नहीं है, गो फॉर अ 5G स्मार्टफोन, बिकॉज 5G का ट्रेंड आ चुका है, थोड़ा आप लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम 3G से 4G पे आए थे, अब कोई वापस से 3G स्मार्टफोन तो लेगा नहीं, तो 4G पे 5G पे अब आ रहे तो क्यों 4G लेना, गो फॉर अ 5G स्मार्टफोन इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस वन। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे लगा लीजिए, बट वो वर्थ इन्वेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये पोको 665 यहाँ पे कैसा लगा आप लोग बताओ फोन कमेंट सेक्शन में, मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को लेने के लिए, बाकी आप लोग की ओपिनियन है, आप बताना कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, टेक्निकल बता लीजिए। जय हिंद, पीस आउट।